हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक बार लेके आया हूँ और एक वीडियो इंग्लिश का क्लोज टेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आईबीपीएस एंड एसएससी एग्जाम्स। आईबीपीएस और एसएससी एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है जो कि पैसेज की तरह होता है। एक पैसेज होता है जिसके बीच में गैप्स दिए हुए होते हैं और इस गैप्स को हमको फिलअप करवाना है। तो उस गैप को फिलअप करके हमको सही से 10 नंबर का आता है या फिर वो 5 नंबर या 7 नंबर का, ऐसे करके वो सवाल आते रहते हैं और हमको वो सही करना है। कैसे सही करना है देखिए, या कि 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि ये क्लोज टेस्ट जो है ये हम कैसे करेंगे, क्लोज टेस्ट हम कैसे करेंगे। इससे पहले, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को नहीं दबाया है तो बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम आपको तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के तौर पे वीडियोस डाल सके, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बताऊंगा अभी ये क्लोज टेस्ट कैसे करेंगे। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि क्लोज टेस्ट जो है वो एग्जाम में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें आखिर में आता है हमेशा, मतलब ज्यादातर ये दिखी जाती है कि आखिर में आती है। और ये क्लोज टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स मतलब जो सेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें कोई रेडीमेड ट्रिक्स नहीं होती, लेकिन सेंस से आप ट्रिक्स बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, ये पहली वाली ट्रिक्स हो गया। ट्रिक्स वन ये कि रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड ये है कि आप एक फ्लो में रीड करते रहें, एक फ्लो आप मेंटेन करते रहें। थर्ड ये है कि आप हमेशा रीड करते वक्त एक फुल स्टॉप और एक, या फिर ऐसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस जब तक खत्म नहीं होता तब तक पढ़ते रहिए, तो ही आपको उसका पूरा थीम समझ में आएगा। तभी आप ये जो पांच ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट होगा ये आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन क्या दिया गया है यहाँ पे, डायरेक्शन ये दिया गया है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस हैव बीन लेफ्ट आउट, ईच ऑफ व्हिच इज इंडिकेटेड बाय अ लेटर। फाइंड द सुइटेबल वर्ड और सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन अगेंस्ट ईच लेटर एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स और सेंटेंसेस टू मेक द पैराग्राफ मीनिंगफुल। यानी कि ये बताना चाहता है कि आप ये बीच में देख सकते हैं कि ऐसी एक ब्लैंक्स दी गई है और इस ब्लैंक्स को हमें फिलअप करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शंस के जरिए। जैसे कि ब्लैंक्स का नाम ए दिया गया है, कभी कभी ये 1 2 3 करके दिया जाता है, आई डबल आई करके दिया जाता है, नहीं तो सिंपली ब्लैंक्स ही बना के छोड़ देता है। तो हमको इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शंस सही है ये बताना है। तो ठीक है, चलते हैं इस वीडियो को आगे ले चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो सॉरी, तो ये जो है आईबीपीएस क्लॉर के स्टैंडर्ड पे है और लगभग कोई भी एग्जाम में आ सकता है, पैसेज के तौर पे या क्लोज टेस्ट की तरफ पे। देखते हैं, द लेयर ऑफ ओजन हेल्प्स डैश द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अवे फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर। तो जो ओजन है, तो इससे हमको लगभग ही पता चलता है कि ओजन के बारे में जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है इसके बारे में ये जो पैसेज है ये आगे कहना चाहता है। ये पैसेज 10 मार्क की है, मैं दो हिस्से में इसको बांट चुका हूं, तो 5-5 करके देखेंगे। यहां तक ई तक है, एफ जी एच आई जे अगले स्लाइड्स में है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे है कि द लेयर ऑफ ओजन हेल्प्स, ओजन लेयर क्या करती है यहां पे बताया गया, द लेयर ऑफ ओजन हेल्प्स डैश द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अवे फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर। तो आज एटमोस्फियर में अल्ट्रावायलेट रेज को एंटरिंग करने से वो रोकती है का मतलब प्रिजर्व नहीं होगा, प्रिजर्व का मतलब होता है वो प्रिजर्व को, जैसे फूड होता है, फूड को हम ज्यादा देर रखने के लिए प्रिजर्व करते हैं, तो ये तो नेगेटिव ही नहीं होगा, इसके अपोजिट हो गया। इंटेंड मतलब किस चीज को हम चाहते हैं तो इंटेंड करते हैं, तो उसको इंटेंड मतलब है। एसोसिएट मतलब किसी चीज के साथ हमारा जब लगाव होता है और हम अपने साथ उसको लेके जाते हैं वो एसोसिएट होता है, ये भी नहीं होगा। प्रिटेंड नहीं होगा, प्रिटेंड मतलब क्या होता है, आपको नींद आती नहीं है लेकिन सपोज आप ऐसा किसी को दिखाना चाहते हैं कि आप सो रहे हैं, तो यू आर प्रिटेंडिंग हिम लाइक स्लीपिंग, बट इन रियलिटी यू आर नॉट स्लीपिंग। सो ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे लगाना है वो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो आंसर ये हो जाएगा कि प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू, वही सेम पैसेज है। क्वेश्चन नंबर टू मतलब यहां से हम पढ़ेंगे, ओजन लेयर डिफ्लेशन ओवर द ईयर्स हैज
डैश इन ओजन होल फॉर्मेशन थ्रू व्हिच हार्मफुल रेडिएशंस कैन नाउ एंटर द एटमॉस्फेयर। बाद में बोलता है कि लेकिन आजकल क्या होने लगा है कि डिफ्लेशन हो रहा है सालों से, कई सालों से, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जो एटमॉस्फेयर होती है इसमें हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ की तरफ घुसते हैं। तो ये जो डिफ्लेशन हो रही है सालों से उससे क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है, नहीं वो तो उससे तो नुकसान होता है। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब बंद करता है, तो बंद नहीं करता है, यील्ड करता है। यील्ड इस कंटेक्स्ट में नहीं होगा, यील्ड कोई क्रॉप होता है वहां पे यील्ड होता है। फंक्शन ये एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे हो जाएगा क्या आंसर आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि रिजल्टेड, ये रिजल्टेड है। रिजल्टेड मतलब इफेक्टेड, मतलब कि वो इसके वजह से ये हो रहा है, मतलब रिजल्टेड वेरी पर्टिकुलर है, तो आंसर हो जाएगा रिजल्टेड। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहां पे ये यह हो गया कि सी को देखते हैं। ओजन लेयर डिप्लेशन हैज मेनी डैश इफेक्ट्स इंक्लूडिंग कैंसर रिस्क। कैंसर रिस्क में वो कहता है कि मेनी क्या होता है, मेनी डैश इफेक्ट्स होता है, जैसे कि कैंसर रिस्क, ये क्या अच्छा बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो कैंसर रिस्क किस टाइप के इफेक्ट है, एस्टिमेटेड इफेक्ट है, कोई एस्टिमेट करता है, यूटिलिटी है नहीं, इंश्योरिंग है नहीं, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। वेरी सिंपल सा सवाल है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो क्या है ये, आंसर हो जाएगा सिंपली ये नेगेटिव इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, द लेयर ऑफ ओजोन होल्स यही है, और हमको चलना है फोर्थ डी की तरफ। दिस वेवलेंथ कैन हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो कॉज स्किन कैंसर, सनबर्न एंड कैटरेक्ट्स इन ह्यूमंस। द प्रॉब्लम इज वेरी डैश इंडीड, हैज राइटली जनरेटेड ग्लोबल कंसर्न। द प्रॉब्लम हैज वेरी डैश इंडीड, इंडीड का मतलब होता है कि वास्तव में। तो अभी यहाँ पे बताएगा कि वेरी मतलब कि बहुत ही कंडीशन है, तो ग्रेसियस नहीं होगा, ग्रेसियस पॉजिटिव वर्ड है, ग्रेटफुल नहीं होगा, किसी के सामने हम मतलब कि कोई हमारा काम कर दिया हो तो हम उबिलाइज्ड है तो उसको ग्रेटफुल ऐसा बोलते हैं। ड्रेडेड नहीं होगा, तो होगा क्या होगा, ग्रेव कंसर्न। ग्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव के हिसाब से यूज है, ग्रेव का मतलब ही होता है, ग्रेव यार्ड का मतलब तो ये होता है जो मरने के बाद जहाँ पे आदमी को रखा जाता है उसको तो ग्रेव यार्ड बोलते हैं। लेकिन ग्रेव का एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि ग्रेव का मतलब कि बहुत सीरियस मुद्दा है ये, तो ये ग्रेव कंसर्न होता है। तो ग्रेव, इट इज वेरी ग्रेव इंडीड एंड हैज राइटली जनरेटेड ग्लोबल कंसर्न। ओके, नेक्स्ट, द लेयर ऑफ ओजोन हेल्प्स द हार्मफुल, जो भी है। तो हम आते हैं फिर लास्ट में, दिस कंसर्न्स लेड टू द डैश ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिन लोगों को ये पता है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये है कि वहां पे वो बताया गया था 1987 को, बहुत सारे देशों ने तो वो एक अग्रीमेंट बनाए थे, एक कन्वेंशन बनाए थे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन को हमको रोकना है, तो उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं सब लोग। तो वो बोलता है कि द कंसर्न्स लेड टू द डैश ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन द ईयर 1987, द कंसर्न्स लेड टू द डैश ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है, कमेंट पर लिख के दीजिए क्या हो सकता है, कमेंट देना चाहिए आप लोगों को, कमेंट देना चाहिए। कमेंट से क्या होता है, आपकी आपकी जो होता है कि अकाउंटेबिलिटी, ये इस वीडियो की तरफ जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आप आंसर करते हैं तो आपका वो लगाव बढ़ता है, और उससे जो पढ़ाता है उसको भी एनर्गाइज, मतलब वो भी एनर्गाइज होता है, ताकि आंसर वो अच्छे से, वो भी आपको साथ अकाउंटेबिलिटी हो, तो आपको कमेंट हमेशा देना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अडॉप्शन होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, अडॉप्शन होगा। अडॉप्शन का मतलब ये होता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो भी चीजें तय की गई है उसको हम अडॉप्ट कर ली, उसको सारे देशों ने अडॉप्ट की कि उसके ऊपर वो लोग काम करेंगे, तो उसी कंसर्न्स को अभी ये और एक बार बात कर रहे हैं उसी कंसर्न्स पे, ठीक है। तो अडॉप्शन, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है अडॉप्शन और अडॉप्शन में। अडॉप्शन का मतलब क्या होता है कि जो सपोज ये बायोलॉजी में आप ज्यादातर ये अवार्ड देख चुके होंगे कि अडॉप्शन का मतलब कि सपोज एक जीव होता है जो कि पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, तो वो अडॉप्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है तो उसको अडॉप्शन बोलता है। लेकिन यहाँ पे अडॉप्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उस प्रोटोकॉल को इन लोगों ने अडॉप्ट कर ली, मतलब कि उन लोगों ने उस पर काम करने के लिए सहमति दी थी, तो ये अडॉप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
प्यासेज की दूसरी तरफ, मतलब कि यहाँ तक जो थी 1987 तक, इससे इसके बाद ये एक ही स्लाइड में नहीं होता है, इसलिए बना के ऐसा करेंगे। तो दिस प्रोटोकॉल बैन्स द प्रोडक्शन ऑफ ओजन डिप्लेटिंग केमिकल्स लाइक CFCs एंड हैलोन्स। ओजन डिप्लेशन रिफर्स टू ए स्टेडी डैश इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर और द ओजन लेयर। ओके, अर्थ ओजन लेयर, तो उसमें क्या होगा, तो ये स्टेडी क्या होगा, स्टेडी का मतलब कि धीरे 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 करके कुछ होना या बढ़ना या फिर घटना। तो यहाँ पे तो नेगेटिव प्यासेस तो बताया गया है कि वो जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ऐसा 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 वर्ड्स तो यहाँ पे लगने ही लगने हैं। तो यहाँ पे स्टडी क्या होगा, स्टडी एक्युमुलेशन होगा, नहीं एक्युमुलेशन नहीं होता, डिटेंशन नहीं होगा, सब्जेक्शन एबिलिटी, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो डिटेंशन बहुत ही भारी वर्ड होता है, डिटेंशन पर्सन पे यूज होता है, तो ये बड़े मुद्दा है। तो यहाँ पे डिटेंशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओजन डिप्लेशन रिफर्स टू ए स्टडी डैश इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर। तो ये होगा कि ओजन डिप्लेशन रिफर्स टू ए स्टेडी रिडक्शन, स्टेडी रिडक्शन जो कि एक टारगेट है, मतलब ताप ये के मान है, तो उसमें कुछ रैंकिंग ला गई है, तो उसमें रिडक्शन हो रही है, तो वहां पे रिडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोटोकॉल, ये हो गया एफ का हो गया, इन द टोटल अमाउंट ऑफ, ये हो गया यहाँ फुलस्टॉप तक हम पढ़ लिए थे। मैनमेड केमिकल्स एंड फोम ग्रोइंग एजेंट्स CFCs, हैलोन्स ऑल्सो कॉल्ड ओजन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस आर द मेजर कॉजेस ऑफ दिस डैश। ये बोला गया है कि ऑफ दिस डैश, तो ये क्या है, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, ऑफ दिस प्रॉब्लम है, ऑफ दिस रिजल्टेड थोड़ी होगा, नहीं होगा। ओके, ये और ये ज्यादा ये कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके कारण ये सब है, इसके कारण ये सब है कि हम लोग जो केमिकल्स और सब ये सब यूज करते हैं और CFCs की मान बढ़ते हैं, तो इसी से क्या होता है कि ओजन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद यह लिखा गया यहाँ कि दीज कंपाउंड्स एंटर द स्ट्रेटोस्फीयर आफ्टर बीइंग एमिटेड एट द सरफेस वेयर दीज कंपाउंड्स रिलीज हैलोजन्स एटम्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो डिसोसिएशन। तो उसके बाद क्या किया गया, आजकल कई कई पैसेज में ऐसे जो क्लोज स्टेज देते हैं, इसमें भी एक एक सेंटेंस पूरा ब्लैंक कर देते हैं। तो ये एक नई वेरायटी हम आपके लिए लेके आए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक चीज दी गई है, उसके बाद और एक बिल्कुल दूसरी चीज बताई गई है, उसके बीच में एक रिलेशन सा सेंटेंस है, रिलेटिव सेंटेंस है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा है। जैसे देखा गया है कि ये कंपाउंड रिलीजियस हैलोजन एटम्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोडिसोसिएशन, इसका मतलब ये डिस्कशन चल रहा है, फोटोडिसोसिएशन है, केमिकल है, मैनमेड केमिकल्स है, एटसेट्रा, डिस्कशन। यहाँ पे कंक्लूजन अभी तक नहीं आया, कंक्लूजन पैसेज के लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपको पूरा ढूंढना है, तो सेंटेंस क्या हो सकती है इसमें, चलिए पढ़ते हैं। दिस कजेस ब्रेकडाउन ऑफ ओजन इन टू ऑक्सीजन लीडिंग टू ए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ओजन, दिस रेस्पॉन्सिबल, सेकंड, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हार्मफुल ह्यूमन डिजीजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व नाउ इन ह्यूमन बींग्स, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफिकल्टी इन मैनेजिंग। नो, ये जो है ये जो बी और सी का ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शंस दोनों हैं, ये कंक्लूजन पे आधारित है। जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है कि इसके वजह से ये हार्मफुल ह्यूमन डिजीजेस है, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि बाद का टॉपिक है। ठीक है, तो अभी तो डिस्कशन चल रहा है, कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन खराब कर रहा है, कैसे खराब कर रहा है। तो ये फोटो डिसोसिएशन दिया, इसके बाद दिया कि मेन कॉज ऑफ ओजन डिप्लेशन है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ CFCs, तो ये पूरा केमिकल वो सब्सटेंसेस के बारे में ही बता रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन टाइप का सेंटेंस देना हमको ठीक नहीं लगता है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द वेरियस इशूज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये फिर से बहुत बड़ी बात बन गई। तो बड़ी बात यहाँ पे कहना नहीं चाहता, ये बीच वाली सेंटेंस वेरी फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, लाइक द प्रीवियस एंड द फॉलोइंग सेंटेंस, लाइक द कजेस ब्रेकडाउन ऑफ ओजन, द कजेस ब्रेकडाउन ऑफ ओजन इन टू ऑक्सीजन लीडिंग टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ओजन। तो वही जैसे केमिकल सब्सटेंस के बारे में बता रहे थे, तो इसी हिसाब से उस सेंटेंस भी होगा। नेक्स्ट, The main cause of ozone layer depletion is the indiscriminate use of CFCs. ये हो गया, H का हमारा हो गया था, which are chlorine-based substances. So these are widely used in several manufacturing plants, refrigerants and aerosols. हमारे refrigerants में और plants में और aerosols. तो ये फिर उसी तरह का sentence है,
केमिकल सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट फिर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि और एक सेंटेंस को छोड़ दिया है, उसके बाद फिर बताया गया कि जस्ट वन एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय अराउंड 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन एंड विन ब्लो सीएफसीज अप टू इनटू द सीएफसीज अप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बोलता है कि वन एटम की क्लोरीन भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद बोला है क्या, रेफ्रिजरेटर एंड एरोसल्स। तो आप हम देखते हैं कि ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ ये पूरा सेंटेंस लगेगा, ठीक है। तो बताइए कमेंट में दीजिए ए बी और सी क्या आंसर होगा। ठीक है मैं बता देता हूँ कि ये होगा कि देखिए जस्ट वन कैन डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पे एरोसोल्स की बात की गई है। उसके बाद बताया गया है कि ये यहाँ पे क्या था, सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को कौन ये कर रहा है, क्लोरीन बेस्ड सब्सटेंसेस है, और इसमें इफेक्ट लिखा है कि वन एटम ऑफ क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बीच वाली सेंटेंस क्या होनी चाहिए, मैन मेड डिजीजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू क्योर सिंस रीजंस, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये फिर से वही घुमाया है कि डिजीजेस, यहाँ पे तो डिजीजेस की बात लिखी ही नहीं, फुलसम पैसेज यही बता रहा है लेकिन यहाँ पे तो लिखी नहीं। और है इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग टू नो दैट मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स आर ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ एटमोस्फियर डेंसिटी इटसेल्फ। तो डेंसिटी वेंसिटी एक बड़ी वाली कंसेप्ट यहाँ पे तो दी गई नहीं है डायरेक्ट, यहाँ पे बीच वाले, तो ये क्वेश्चन क्लोरिन पे है, ये क्लोरिन पे है। तो इसका एक बीच वाला सेंटेंस ये हो सकता है कि अगर ये एयर को चला जाएगा तो डैमेजिंग इफेक्ट होगा ओजोन लेयर के ऊपर। उसके बाद और एक एग्जांपल वेरी पर्टिकुलरली दिया गया कि वन एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय, तो ये वाला रिलेटिव सेंटेंस हो सकती है। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन कॉज ऑफ ओजन लेयर ये है, डिप्लेशन इज इंडिस्क्रिमिनेट, ये हो गया और ये हो गया, हम कहाँ तक थे। ओजन मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी अनस्टेबल, द क्लोरीन एटम्स इन द सीएफसीज रिएक्ट विद द ओजन मॉलिक्यूल्स व्हिच ब्रेक डाउन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ए सिंगल फ्री फ्लोटिंग ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे भी एक सेंटेंस छोड़ दिया है, हाउएवर क्लोरीन अंडर अदर प्लेसेस सच एज स्विमिंग पूल्स डज नॉट पॉज एनी डेंजर। सो स्विमिंग पूल में होने वाली जो होती है क्लोरीन वो डेंजर पैदा नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आंसर यहाँ पे ढूंढते हैं क्या हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन पे ही आके पैसेज को खत्म किया गया है। देखते हैं यहाँ पे हो गया कि द क्लोरीन इज ए पावरफुल सॉल्वेंट एंड इट शुड बी नोटेड दैट इट इज वेरी रिएक्टिव वन आल्सो, यहाँ पे दिया गया इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ए सिंगल फ्री फ्लोटिंग ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे दिया हाउएवर, सबके बाद भी क्लोरीन, ये एक अच्छा वाला पॉइंट है क्लोरीन के बारे में। तो इसका बीच वाला पॉइंट क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंक्लूजन नहीं, इसका जस्ट पहले का पॉइंट क्या होना चाहिए, बताइए। ये हो सकता है क्या, द क्लोरीन इज हार्मफुल बट इट इज ऑल्सो वेरी मच इनॉट इफ यूज विथ प्रॉपर केयर, नहीं, हाउएवर दिया है, मतलब ये सब बुराई के बाद एक हाउएवर के बाद वो अच्छाई लिखी है, उससे पहले आपको नहीं लिखनी है, तो ये वाली आंसर कभी नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं, क्लोरीन इज ए पावरफुल सॉल्वेंट एंड इट शुड बी नोटेड दैट इट इज ए वेरी रिएक्टिव वन ऑल्सो, या फिर ये होगा द क्लोरीन इन द एटमोस्फियर हैज इमेंस थ्रेट पोटेंशियल। देखिए ये दोनों अच्छे हैं लेकिन हम कंक्लूजन के तरफ आ चुके हैं, तो क्लोरीन के बारे में एक कंक्लूडिंग लाइन ये हो सकती है, जैसे कि द क्लोरीन इन द एटमोस्फियर हैज इमेंस थ्रेट पोटेंशियल, इसका बहुत ही बुरा असर है। इसके बाद दिखाया गया कि कुछ अच्छा असर है जिसको हाउएवर करके बताया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आप ऐसे क्लोज टेस्ट करते रहिएगा, करते प्रैक्टिस करते रहने से ही आपका क्लोज टेस्ट बनेगा और एग्जाम में आप बड़ी आसानी से 10 मार्क स्कोर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप एग्जाम में 10 मार्क स्कोर कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब करते हैं, हम भी कर सकते हैं। और ये 10 मार्क मैं आपको सुनिश्चित करूंगा, हर दिन ऐसा एक क्लोज टेस्ट लेके आऊँगा, मतलब कि हफ्ते में 5 दिन। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जिन लोगों ने IBPS दिया है और SSC का एग्ज़ाम्स डाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्लोज टेस्ट बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आज के लिए, तो हम आएंगे फिर कल 6:30 बजे क्लोज टेस्ट के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर बींग ए पार्ट ऑफ अस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू।